हमारे व्यापार मंडल महोदय लता जी का कार्यकाल जो है 3 साल का समाप्त हुआ और यही पर हम लोग इकट्ठे हो रखे थे और आप हम चाहते हैं कि जिस मान सम्मान के साथ में आपको हमने बनाया था उसी तरह से हम जो है और आप क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, मेरी दो लाइन सुन लो आप। अगर इसमें कोई मीटिंग कभी नहीं हुई तो इसके लिए दो सीधे मैं भी हूँ, पूरी कार्यकारिणी है, किसी ने जो है आवाज उठाई नहीं है। तो अब आगे अपना एक्सपीरियंस बांटे आप, एक्सपीरियंस बांटा, हमने बहुत कोशिश की जोड़ने का, व्यापारियों को जोड़ने का हमने अनुभव भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि कई लोग तो यहीं तक सीमित है, जहाजा टिपरी तक सीमित है। हमें बाहर का भी अनुभव है, हमने बाहर व्यापार किया, लाखों करोड़ों को व्यापार किया मैंने, ठीक है जी। लेकिन यहाँ एकता हो ही नहीं सकती है, मेन बात यह है जाखंडदार में, एक दूसरे को लड़ा देंगे, साथ कोई देता नहीं है। बाकी मैं तो ये समझ रहा हूँ, मुझे तो व्यापार में बहुत अनुभव है, तब जो मर्जी समझाऊ, क्योंकि हमने शहर देखे हैं, दुनिया देखी है भाई। अपनी 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 शक्ल दिखा भाई, लंबा लड़ थोड़ा दाएं भैया, सबकी शक्ल आनी चाहिए यहाँ, उपस्थित सबकी जरूर चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे। बाकी आए एकता बनानी पड़ेगी, आप संगठन कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है। हमने किसी व्यापारी को बोला आप दुकान बंद करो, उन्होंने एक की बजाय दूसरी दुकान भी खोली, हम देखते हैं, ये सही बात है। है जी, ये मस्त भाई, ये रमेश ने कितना झगड़ा किया यहाँ की, कम से कम एक दिन तो तुम बंद करो दुकान नहीं की। बाकी हमने कई कामों पे यहाँ पे जो है तो काफी नियंत्रण रखा, चाहे वो अवैध धंधे हो, चाहे तुम्हारा सैंपल ऑफिसर हो, चाहे कोड़े से लेके हो, काफी रखा हमने, इधर उधर गए, इधर उधर और अपने खर्चे से गए। किसी ने अगर दिया हो तो यहाँ पे आदमी बोल सकता, अरे भाई जी व्यापार मंडल सिर्फ नाम का है, नाम का है, और कुछ नहीं है, कार्यकाल नहीं है, ये रजिस्टर है, उसका नाम है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हमने 3 साल में ना किसी भाई से उत्पीड़न होने दिया, नाम का है, चाहे इसका नाम हो, और ये दो और जो भी हमसे हो सका था हमने कर दिया। बाकी आप बनो ना बनो, कोई क्या है क्या नहीं है, ये असंभव, मतलब नहीं है किसी से, एकता होना यहाँ पे एकदम असंभव, लोग जो नहीं है और भड़काते हैं आपको, उत्साह करेंगे दूसरे से लड़ाने के लिए, कुछ व्यक्ति ऐसे है एक दूसरे से लड़ाने के लिए उत्साह करेंगे, बोलेंगे चिड़ाएंगे कि बोलेंगे, बाकी आप सब सामने हैं। अच्छा भाई साहब, ये तो आप सुनो, ये तो आपने समस्या गिनवाई जी, पर आपके एक्सपीरियंस में 3 साल का क्या कोई अनुभव है कि इसमें सुधार होता है अगर ऐसा करे तो, कोई सुझाव है आपको? ऐसा व्यापार तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सबसे पहले तो दिक्कत पानी की है, फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कर्मचारी भी टिकते नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे जिस चीज के भी ऑफिस है कर्मचारी बाहर है, जब यहाँ डैम बंद था तब भी यहाँ कर्मचारी रुकते थे तो हमारा व्यापार भी चलता था, बहुत सारी समस्याएं हैं, बड़ी मुश्किल करके रोड बनाई विधायक साहब ने, रोड बनाई वर्तमान में क्या है, मतलब तुम व्यापार में क्या है यार, क्या जरूरत है यार, वो तो व्यापारी बताएंगे, मेरे कहने से थोड़ी ना, हमने तो अपनी समस्या क्या है, हमने तो अपनी समस्या आपके सामने रख दी, हमने दिक्कत रख ली, बाकी तो आपके हाथ में है, चाहते हो तो नए उम्मीदवार बताइए, आपने आपको कौन उम्मीदवार है क्या है, बाकी तो व्यापारी बताएंगे, ठीक है, नए उम्मीदवार हमने तो जो की थोड़ा 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 एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक दूसरे व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आए, एक मिनट और क्योंकि इतना टाइम मुझे भूखे व्यापार मंडल देख देखते सब लोगों का अनुभव ही है, लेकिन व्यापार मंडल का जो प्रत्याशी जो होगा ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया ये है, आपने बोल दिया उसको भी एक अपने घर में, ऐसा ना हो कि 3 साल बाद वो भी यहाँ पे आए, अब वो बोले भाई मैंने कुछ नहीं करा, मतलब ऐसे मतलब ये अरे एक सहयोग समझ रहा है, हम आपकी बात करते हैं, हमने तो किया, हम भी शाही साहब से ब्लॉक में लड़े पार्टी के लिए, मेरे भाई ने मेरी बात सुन ली, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ने बोला फलाना बनेगा, सब लोगों उसमें सहमति होगी और सहयोग सब लोगों को चाहिए, ऐसे नहीं कि अध्यक्ष जैसे इसी की ड्यूटी है पूरी, सब पानी के चक्कर में 3 चार अतिक्रमण हटा जैसी भी आ गई थी, मैं डीएम से लेने गया स्वयं, लेकिन सहयोग सब है उसका, जो भी बनेगा हमने वो लोग का काम नहीं हो रहा, सहयोग के पास व्यापार मंडल का लिया मैं स्वयं गया, मतलब जो बनेगा उसको जो होना चाहिए कौन दूर कर सकता है, पानी की दिक्कत है यहाँ, दिक्कत है काय बनेगी, कोड नहीं है इतने बाजार में, काय कोड़े की गाड़ी नहीं है, हर पैसा ले जाते हैं जिला पंचायत, हर साल पैसा ले जाता है, काय का पैसा ले जाता है, वो व्यापार मंडल खड़ी होनी चाहिए, गाड़ी कहाँ पे होगी आप बताओ, मेरे लोगों ने बोला डब्बे बनाओ, मैं लगे था डब्बे वाली गाड़ी खड़ी रही, आपकी दुकान के आगे रख दे वो डब्बा होगी, कहीं ना कहीं जगह गठित होगी उसके लिए जगह बन, ऐसा नहीं है
कि मेरी दुकान क्या जगह गठित होगी। हम बोल रहे हैं सारे लोग जितने बोल देंगे यहाँ पर हम बोल रहे हैं तुम शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ। एक बाथरूम नहीं है, इतनी बहु बेटी आते खा जाएंगे बनाओ ना करो भाई ऊपर बाकी देख लो आप बना रखा ताला लगा वो मेरी दुकान के आगे खड़ी होगी कुछ करा छह दुकान को चालान हमने कुछ नहीं किसी का चालान अरे परसों नहीं हुआ हाँ व्यापार मंडल ये भी आपको बोला हमने कि देखो इनको आपने बोला तो फेज हो नहीं हुआ सैंपल तो पास ही हुआ क्या हुआ पास क्या हुआ तो भाई साहब व्यापार मंडल ऐसे नहीं कि आप सड़ा हुआ माल बेचे व्यापार मंडल का मतलब क्या होता है आप व्यापार मंडल मतलब क्या होता है आप ग्राहक को जाते ऊपर से चोरे होंगे तो व्यापारी का अध्यक्ष का मतलब है कि अपने व्यापारियों को हित करना ये बोलना नहीं कि सड़ा माल मत बेचे सड़ा बेचे वो जो एक नंबर का काम करेगा नहीं करेगा ना करे तो काम चलेगा ही नहीं कस्टमर के साथ कोई भी दुकानदार हो जाए पास कैसी हुआ वो नहीं करे सभी व्यापारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सभी व्यापारी यहाँ पे उपस्थित है जी जी सबसे पहली बात और इसी प्रकार से व्यापारी भाई यदि इसी प्रकार से इकट्ठे होते रहे किसी भी कार्य के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है छोटा काम हो या बड़ा काम हो क्योंकि व्यापारी क्योंकि व्यापारी के साथ उत्पीड़न हर कोई करता है मैं ग्राहक भी करता है और इंस्पेक्टर भी करता है और पुलिस भी करती है और पटवारी भी करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है सभी व्यापारी भाइयों से जिस प्रकार से हमारा व्यापार मंडल चल रहा है इसी प्रकार चलना चाहिए इसको बंद मत करना क्योंकि बंद करने में जो नुकसान होता है ये हमारे आपसी सहमत है या हमारी भाई बंदी है तो कोई परेशानी किसी के ऊपर होती है वो बात है लेकिन मेरा निवेदन है आ जाओ मेरा निवेदन सभी से है कि इसी प्रकार से हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी हमेशा हर जगह पे पानी के संबंधित हो चाहे फूड इंस्पेक्टर के संबंध में हो चाहे किसी उत्पीड़न के संबंध में हो इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो है एकत्रित रहे और व्यापार मंडल इसी प्रकार से बनता रहे 30 तारीख हमारा बंद है तो बंद होना चाहिए खुले वाले को बंद रखना चाहिए खुले वाले को चालान करना देखो 9 वर्ष हो गया आज और 9 साल हो गया धंधे क्षेत्र में बंद नहीं होते ठीक है सारे दुकानदार व्यापारी भाइयों को साथ रहना चाहिए अकेला अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता कोई अध्यक्ष हो लेकिन कोई धंधे क्षेत्र में बंद नहीं होते मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा सुनेंगे आप लोग बात है मेरा निवेदन आपसे यही है कि 9 साल से करीब आपका ये व्यापार मंडल चल रहा है धरातल में कोई काम दिखता नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ अध्यक्ष नहीं है कार्यकारिणी भी है मैं भी हूँ आप सब भी है ठीक है आज बाजार में सबसे बड़ी दिक्कत है लोग दारू पी के गाड़ी को चलते हैं जो महिलाएं या दुकान चला रही है उन्हें माँ बहन जब गाड़ी सुननी पड़ती है तो कई बार शटर बंद करके जाते हैं मैंने देखा बंद करते हुए माहौल खराब हो गया दूसरी बात हमें गलत आदमी भी है तो उसको प्रेम समझाना है व्यवहार रहेगा तो व्यापार चलेगा व्यापार चलेगा व्यवहार रहेगा कई ऐसा मैं व्यापार चल गया और व्यवहार ही खत्म हो गया तो इसलिए जो है और दूसरी बात आप चुनाव की बात कर रहे हैं मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ लेकिन जो भी उम्मीदवार है वो सब सामने लाइन में खड़े जाए अपने हाथ खड़ा करें और चुनाव जो है आप लड़े और ये जरूर बताएं कि मैं बनना चाहता हूं मैं कुछ करके दिखाऊं ये ना बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है ये एक परिवार है इसे चलाना है
और चलाना है तब चुनाव लड़ना है, चलाने की हिम्मत है सुनना भी पड़ेगा। नहीं पर जो व्यापार मंडल उल्लंघन करते हैं उससे क्या होगा? सही बात है, छोटी वाली बात सुनो, जो उल्लंघन करता है उससे क्या होगा? एक भाई अरे महाराज एक व्यक्ति का सुझाव है यही भी हाँ बोलना यही आप जैसे बात दुकान बंद करने की बंद करने में क्या होता है कई बार क्या होता है सोमवार होता है उस दिन लोग दूध कई बार बनाते हैं कई बार और कई बार दिक्कत होती है शिवरात्रि है बंद कई रात दिवाली है पहले कुछ मैं कह रहा हूँ दिक्कत नहीं है तो बंद करना छोड़ दो ना ठीक है बंद करना छोड़ दो किसी ने बैंक की बात लोगों को पैसा है बहुत समझे बंद करो यार संबंधित रहे न किसी की गाड़ी का रहेगा न किसी की सड़क का रहेगा पार्किंग का है कोई मुद्दा नहीं व्यापार से संबंधित मतलब व्यापार कैसे बढ़ेगा कैसे कैसे बचेगा जी मेरी यहाँ गाड़ी खड़ी हो गई ऐसे हो गया वैसे हो गया केवल व्यापार से संबंधित बाकी कुछ नहीं 30 तारीख को खुला रहना है बंद रहना है बता दे ऐसे नहीं की भाई साहब बाहर रहा सब बाहर रहे हम किसी को नहीं ऐसा नहीं कहते आप बताओ गाड़ी जहाँ खड़ी होगी कोई व्यापारी आएगा गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा उससे तुम्हारा व्यापारी वो नहीं बढ़ रहा इफेक्ट नहीं पड़ रहा तब आपने कहा गाड़ी से कोई मतलब नहीं कोई लाला आप क्या चाय पीना चाहता है और गाड़ी कहीं खड़ी जगह नहीं वो कहाँ पेगा अंजनी सन जाके पेगा कोई मंदिर में मंदिर में आ रहा है और तब करे इसे कोई मतलब नहीं उसके नहीं है तो बताओ मेरे को सभी व्यापारी लोगों ने गाड़ियां खड़ी हमें लोगों गाड़ियां खड़ी है बाहर देख रहे हैं गाड़ी खड़ी हो जाए तब जाए बाहर में नीचे ले तो कोई जगह नहीं होती है ऊपर अरे हम बोलना व्यापार मंडल एक यूनिटी है और यूनिटी में आदमी चलता है अब तुम कह रहे ये नहीं होगा वो नहीं होगा मैं ये भी नहीं कहता कि व्यक्तिगत व्यापार मंडल अध्यक्ष का काम है सभी लोगों का काम है अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता क्योंकि व्यापारी उसको पुश करना पड़ता है अध्यक्ष को और वो हमारे साथ आगे चलेगा पीछे हमें चलना पड़ेगा और नियम कठोर बनाओ ये नहीं कि दुकान नहीं खुला अध्यक्ष का काम है उसने दुकान बंद नहीं की अध्यक्ष का ये व्यक्तिगत काम नहीं सबका काम है तुम्हारे पड़ोस में तुमने सूचना किया अध्यक्ष को तुम कह रहे हो उसने खोलो मैं भी खोलो क्योंकि तुम स्वयं स्वार्थ में फंस गए हो और गाड़ी जो मसला है गाड़ी जब हटेगी तब व्यापार चलेगा क्योंकि जो गाड़ी खड़ी होगी मैं अभी बैंक में आता हूँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती फिर वो क्या करता है कि वो कहता है अजन साइड देख लूंगा अजन साइड में सामान ले लो अच्छा गलत बोल रहा हूँ मैं ये और बाकी तुम देखो वाले अड्डे नीचे वाले कितने बार झाड़ू वाला आया बताओ कितने बार आया वो झाड़ू वाला और पैसा जिला पंचायत हमसे भी ले रहा है खड़ी नहीं है क्या उसका पैसा दे रहा है जिला पंचायत दे रहा है उसका ऊपर अड्डे काम है चमक बताओ चमक के अंदर 50 गाड़ी खड़ी आ रहा है क्या व्यापार करूंगा पहले हर जगह झाड़ू मार दिया ये नहीं की मैं अध्यक्ष बन गया मेरा मर गया तो जाए एक झाड़ू वाला आ रखा हूँ 10 दिन में सबके आना चाहिए क्योंकि पैसा सभी उसमें भागीदारी सभी दे रहे गलत बोल रहा हूँ सभी भागीदारी और गाड़ी जब रहेगी तब ये देखो ये कार्यभार सौंप दिया ये कार्यभार सौंपते हुए भाई साहब जमाई चाचा जी को आप सीनियर आदमी इसलिए आपको दिया जा रहा है आपको पहली बरकरारी जा रही है अब अध्यक्ष बनाने में एक महीने में लगेगा तब तक आपके पास दुकानदार है नीर सिंह कुमार जो चाकंदारी दुकानदार है सुरेश भट्ट जो दुकानदार चाकंदार में आज नहीं होगा भाई साहब आज ही नहीं होगा नहीं होगा आज नहीं हो सकता आज नहीं हो सकता किसी बात में नहीं होगा आज नहीं एक हफ्ते का टाइम दो एक हफ्ते का टाइम दो एक हफ्ते का
अच्छा आज ये कह रहे आज ही चुनाव होगा, ये होना चाहिए आज ही, आज ही होना चाहिए क्या चुनाव? आज ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई साहब चुनाव? आज ही होना चाहिए कि बाद में? नहीं होता ना, 15 दिन से पहले बताओ, जा बताओ क्यों सब लोग इकट्ठा? अच्छा ये देखिए भाई, अब बहस इस बात की है कि चुनाव आज ही होना चाहिए, हम कह रहे हैं चुनाव हुआ, चुनाव आज होने से 15 दिन बाद चुनाव है, चुनाव आए। हाँ भाई बताओ क्या चुनाव आज होने से 15 दिन बाद होना चाहिए? अब जब सब ऐसे बोल रहे हैं तो रुकी जाओ, हम कह रहे हैं जब खर्चा पड़ता होगा झंडा उठाएंगे तुम्हारा तब आएगा मजा। बोला परसों के लिए कि 3 साल के बाद मीटिंग हुई और आज ही तुम्हारा जो है चुनाव हो गया, आज मीटिंग ऐसा नहीं होगा, मीटिंग नहीं, कोई नहीं रहेगा, नहीं नहीं परसों कौन, एक हफ्ते टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, नहीं है तो फिर क्यों बना रहे व्यापार मंडल? अगर कौन सा नहीं नहीं देखो ऐसा है नहीं न चुनाव नहीं है जो बोलने जो, अच्छा मैं क्यों नहीं भाई जो व्यापारी वही सही क्यों नहीं भाई सर क्यों नहीं हूँ कैसे कैसे इस बात को आप कैसे कौन कैसे बोल सकते आप? मैं बोलो क्या प्रूफ कर सकते हैं आप? प्रूफ कर सकते बोलो मैं कर क्या व्यापार हो गया? अरे आप प्रूफ कर सकते हो मैं नहीं हूँ? है ना नहीं व्यापारी देख लो तुम, मैं भी अपनी बात से मुकरूंगा, तुम्हें मत करना नहीं तुम साबित नहीं कर पाओगे मैं दुकानदार नहीं हूँ। आप प्रचार करो आप जो नहीं। भाई जी मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ हूँ नहीं नहीं अच्छा मतलब कोई पत्रकार कैसे गाँव में नहीं रही तू? अब ये आप दीप राज है तू सरकार करता है तेरा आ गया आने का नहीं क्यों तुम आ सकते हो क्या? मेरी माँ के नाम से दुकान। अच्छा आ सकते हो ना सामान मैंने भरा ठीक है। देखो भाई एक बात बताओ अगर सरकारी मतलब नहीं है अगर सरकारी आदमी अगर यहाँ रास्ता है तो क्या मैं ना हाँ बोलो 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 नहीं एक बात बताओ आप हाथ क्यों छोड़ रहे हो? ये मेरे मोबाइल हाथ क्यों मार रहे बता? मारा तो क्या हो गया? क्यों मार सकता है? मार सकता हूँ मैंने इसलिए पहले लेने की परमिशन की मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई बकवास नहीं करता। सुन लो मेरी बात को, एक मेरी बात सुन सुन लो। एक बंदा बोल रहा है कि तुम्हारी दुकान नहीं है और एक कह रहा है कि तुम्हारी नहीं है। बात कर रहा था ना मैं बात कर रहा था ठीक है ठीक है। अच्छा बोलो 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 नहीं बोलो 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 यहाँ जिन्हें जो बोलना बोलो नहीं। एक बंदा कह रहा है तुम्हारी दुकान नहीं है और ये कह रहा है कि तुम जो बोल रहे हो ये कोई तरीका थोड़ी यार। बोलो बोलो अच्छा मोबाइल बात मारेगा बता कर दो कर दो। नमस्कार तो ये था जागरदार व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर प्रक्रिया। इनका कहना है कि चुनाव आज ही होगा, आज सारे के सारे दुकानदार उपस्थित हो चाहे महिलाएं हों और चाहे पुरुष हो किसी भी वर्ग का हो। उसमें मुझे ये भी कहा दिया जा रहा है शिशपाल पवार जी कह रहे हैं कि आपके दुकान नहीं आप क्यों आए हो। साथ में एक आदमी जो है जो सरकारी नौकरी करता है वो भी यहाँ विद्यमान है, वो कह रहे हमारे घरवाल नाम तो हम भी आते हैं। तो यानी कुल मिला के जो है ये चुनाव जो है एक झगड़े की जड़ भी मैं कह सकता हूँ और इनका ये भी कहना है भंग किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है और इस बार चुनाव ही होगा और मैं चाहता हूँ कि चुनाव करें शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, किसी का मन मुताबिक हो। व्यवहार रहेगा तो व्यापार चलेगा, व्यवहार नहीं रहेगा तो व्यापार नहीं चलेगा। लेकिन किसी को आप व्यक्तिगत टारगेट न करें। धन्यवाद।